सर्वप्रथम मैं भारतीय कला विभाग को उसके आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मुझे इस विषय पे बोलने के लिए मौका देने के लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा कि मैडम ने बताया, जो विषय है कला और ध्वनि सिद्धांत, तो मैं ध्वनि को लेकर ही बात करूंगा और ध्वनि सिद्धांत में भी जो भारतीय दृष्टिकोण है उसी को लेकर मैं बात करूंगा। तो ध्वनि पे चर्चा करने से पूर्व कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में, कुछ इस विषय को एक प्रस्तावना के रूप में समझने के लिए आवश्यक है कि ध्वनि सिद्धांत है क्या। देखिए, जैसा कि भाषा के विकास के बाद भाषा को एक नियमित करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको परिशोधन के लिए और उसमें किसी प्रकार की विकृतियां ना हो, उसके लिए व्याकरण शास्त्र का सृजन किया जाता है या किया गया है। यानी भाषा अपने मूल स्वरूप को बदले ना, इसके लिए व्याकरण शास्त्र ग्रंथ है। उसी प्रकार साहित्य जो है अपने स्वरूप को, अपनी विशिष्टताओं को बदले ना या उसमें किसी प्रकार का दोष उत्पन्न न हो, इसके लिए काव्य शास्त्र का विधान है। जिसे पश्चिम में अगर आप देखें, पश्चिम के शब्दावली में, तो उसे पोएटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत में उसे अलंकार शास्त्र या काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र। तो इसमें काव्य से संबंधित, काव्य के क्या गुण हैं, विशिष्ट काव्य किसको कहते हैं, काव्य का लक्षण क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या है, कि काव्य की रचना क्यों की जाती है, तो इन सारे प्रश्नों पर जहां विचार किया जाता है, यानी लिटरेचर का एक क्रिटिकल स्टडी जहां पर होता है, उसको हम काव्यशास्त्र कहते हैं। चूँकि प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में अलंकार जो है, अलंकार का विशेष महत्व था, इसके कारण काव्यशास्त्र को अलंकार शास्त्र के रूप में भी व्यवहृत किया जाता है। तो काव्यशास्त्र की एक परंपरा है, उस परंपरा में आचार्य, आद्य आचार्य भरत मुनि से लेकर उसके बाद जो है वामन, शंकुक और प्रभृत बहुत सारे आचार्य हैं जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है काव्यशास्त्र में। तो यहाँ पर मैं ध्वनि के संस्थापक आचार्य आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक को लेकर ही बात करूँगा, ध्वनि सिद्धांत की बात करूँगा। तो यहाँ पर जो मेरा विषय होगा वह ध्वनि सिद्धांत, विशेषकर आनंदवर्धन ने जो ध्वनि सिद्धांत की बात की उसी को लेकर मैं बात करूँगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो है आचार्य आनंदवर्धन नवीं शताब्दी में हुए हैं और उससे पहले काव्यशास्त्र की, यानी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एक बड़ी परंपरा रही है जो कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से, यानी कि हमारे नाट्य शास्त्र के जिसको प्रणेता भरत मुनि कहा जाता है, उनसे ये परंपरा चली आ रही है। तो जिसमें उसके बाद जो है रस संप्रदाय और इत्यादि जो है रीति संप्रदाय और गुण संप्रदाय, तो ये सारे संप्रदाय जो है ये आते गए। तो ये संप्रदाय क्यों अलग अलग हैं, इसका मुख्य ध्येय क्या है, तो इस चीज़ को समझने के पीछे पहले जो है इस चीज़ को समझना जो आवश्यक है कि काव्य है क्या। तो साधारण अर्थों में जो एक समझ है कि शब्द और अर्थ के संयोग से जो एक रसानुभूति होती है उसी को हम काव्य कहते हैं। तो शब्द और अर्थ तो उसमें मुख्य गुण हैं और इस शब्द और अर्थ को लेकर जो अलंकार शास्त्री हैं और उसके बाद जो है रीति शास्त्री हैं, तो इन लोगों ने जो है बहुत सारी मीमांसा की है। तो इसमें जो अलग अलग विमर्श हैं, वो विमर्श ये है कि काव्य
में का प्रधान तत्व क्या है। तो काव्य में प्रधान तत्व को जानने के लिए जो है अलग अलग संप्रदाय जो है व्यवहार में आए। तो जिसमें मैंने सबसे पहले कहा कि भरत मुनि ने रस संप्रदाय की बात की, यानी कि उन्होंने काव्य का जो मुख्य गुण माना कि काव्य किसको कहेंगे तो जिसमें रस प्रधान हो। उसी तरह जो है अलंकार शास्त्री जो हुए, उन्होंने कहा कि काव्य जो है वो अलंकार उसका मुख्य प्राण है, मुख्य तत्व है। उसी तरह रीति शास्त्री आए तो उन्होंने कहा कि रीति ही जो है काव्य का मुख्य गुण है। तो ये क्रम करते चलते चलते नवी शताब्दी में आचार्य आनंद वर्धन हुए और इन्होंने कहा कि काव्य का जो मुख्य तत्व है वो तत्व है ध्वनि। तो ये ध्वनि जो है ये इसका स्वरूप क्या है, ये किस तरीके का है, इसी पे मैं अपनी बात करूँगा। तो ध्वनि को स्पष्ट करते हुए आचार्य आनंद वर्धन ने अपने ध्वन्यालोक के प्रथम ही उद्योत के चतुर्थ कारिका में इसको व्यक्त किया है। ये आनंद वर्धन का ग्रंथ है ध्वन्यालोक, जो चार उद्योतों में बटा हुआ है। उद्योत का मतलब अध्याय, तो चार अध्यायों में बटा हुआ है, जिसमें कारिका है और उसकी व्याख्या है और उसके उदाहरण हैं। तो जो उन्होंने ध्वनि को स्पष्ट करने के लिए श्लोक दिया है वो कारिका दिया है, वो कारिका है यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनी कृतस्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेषः स्वध्वनि इति सूरिभिः कथितः। यानी ध्वनि किसको कहते हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यत्र अर्थः शब्दो वा, जहाँ पर अर्थ और शब्द वा अथवा तम अर्थम उपसर्जनी कृत, अपने अर्थ को उत्सर्जन कर यानी कि छोड़कर स्व अर्थौ व्यंगतः यानी व्यक्त करता है, यानी कि अपने अर्थ को छोड़कर, शब्द अपने अर्थ को छोड़कर और शब्द के अर्थ अपने अर्थ को छोड़कर जो अलग अर्थ को व्यक्त करता है वह ध्वनि कहा जाता है। चूँकि अभी ये मैं एक लक्षण के रूप में बता रहा हूँ इसलिए थोड़ी समस्या होगी, लेकिन जब मैं उदाहरण पर आऊँगा तो इस चीज़ को आपको समझने में समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर जो बात इन्होंने कही कि एक तो है शब्द और उसका अर्थ, वर्ड एंड मीनिंग। तो कह रहे हैं कि शब्द अपने अर्थ को छोड़ रहा है, ठीक है, एक शब्द होता है, शब्द का एक अर्थ होता है। तो ध्वनि किसको कहेंगे कि जहाँ शब्द अपने अर्थ को छोड़ करके एक अतिरिक्त अर्थ को जहाँ पर ध्वनित करे, बताए, उसे ही जो है क्या कहेंगे, ध्वनि काव्य कहेंगे, और वहीं जो है इसको ध्वनि की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर तमर्थम शब्द का प्रयोग किया गया है इस श्लोक में, तो यहाँ पर एक और इस चीज़ को व्यक्त करने के लिए एक और बात यहाँ पर कही गई है कि प्रतीयमानम पुनरन्यदेव वस्त्वस्तिवाणीषु महाकवीनां यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु। तो यहाँ पर एक पंक्ति के माध्यम से इस ध्वनि को आपको समझने में अर्थ स्पष्टता आएगी कि यह जो है प्रतीयमान जो अर्थ है, जो प्रतीत होता है, वह किस तरह का है। तो इन्होंने कहा कि जैसे एक सुंदरी के वर्णन में, जब हम एक किसी सुंदरी का वर्णन, यहाँ पर लावण्य शब्द लिखा है ना, तो लावण्य जो है एक सुंदरी के लिए साहित्य में वर्णन शब्द ये आता है, लवणी जिसको हम कहते हैं, तो उसके लावण्य के वर्णन में यानी कि उसमें सौंदर्य कहाँ है। तो ये कह रहे हैं कि जब महाकवि उसका वर्णन करते हैं तो क्या उसकी आँखों में सुंदरता है, क्या उसके अधरों पर सुंदरता है, तो ये सुंदरता है कहाँ। प्रश्न उठता है कि अगर कोई सुंदर स्त्री जिसको लवणी इन्होंने कहा, उसमें जो है सौंदर्य है कहाँ। तो यदि हम अंग अंग की बात करें तो किसी भी अंग को यदि पर्टिकुलर आपके सामने रखा जाए तो उसमें सौंदर्य बोध क्या आपको होगा, तो नहीं होगा। तो आखिर ये सौंदर्य हो कहाँ से रहा है। तो सौंदर्य जो है इस अंगों के जो पूरा एक शरीर है, इस पूरे अंगों को मिलाकर जो पूरा एक शरीर बन रहा है, उसमें जो है एक सौंदर्य बोध होता है। और यह सौंदर्य बोध कैसे होता है, तो कवीनाम जो कवि हैं, जो
आचार्य हैं, जो अच्छे कवि हैं, तो वो अपने शब्दों के माध्यम से इन ऐसा एक चित्र वर्णन करते हैं कि वह विशिष्ट अर्थ जो है या विशिष्ट सौंदर्य जो है वह ध्वनित होता है। तो यहाँ पर जो एक बात इन्होंने कही कि खंड में जो है सौंदर्य नहीं है, लेकिन खैर आगे इस चीज़ में हम बात करेंगे कि ये क्या मामला है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी आप लोग एक चीज़ जान लो कि ये एक्चुअली में एक डिस्कोर्स है, एक विषय है। आप लोगों ने साइकोलॉजी में जो है गेस्टाल्टवाद की थ्योरी पढ़ी होगी, 1920 के आसपास जो है ये थ्योरी जो है ये प्रचलन में आया। तो एक्चुअली में इसके पीछे जो है ये जो कंस्ट्रक्टिव जिसके जिस स्कूल के संस्थापक विलियम वुंड वगैरह थे, तो उन्होंने एक्चुअली में वो जो है साइंस के एटमिक थियोरी से प्रभावित थे। तो ये आया कि खंड जो है, क्या हम खंड को जान लेंगे तो क्या हम समग्र को जान लेंगे। प्रश्न ये है कि क्या खंड को हमने समझ लिया तो हमने समग्र को समझ लिया, ठीक है। तो विज्ञान के जो उस समय के एटमिक थियरी के जो चल रहा था, प्रचलन जो था, उन्होंने कहा कि हाँ भाई, क्योंकि खंड का ही जो है जोड़ आपस में संपूर्ण होता है। लेकिन गेस्टाल्ट थियरी की बात जब 1920 के आसपास ये शुरू हुई है गेस्टाल्ट स्कूल, और ये जर्मनी में इसका जो है मुख्य प्रभाव रहा, तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। खंड जो है उसका जो समग्र है वो अपने समग्र से अधिक होता है या विशिष्ट होता है। तो जैसे मेरा शरीर ये है, इसके खंड खंड करके जो है आप अनुभव करो और एक समग्र रूप से अनुभव करो, तो आप ऐसा नहीं हो सकता है कि खंड खंड का अनुभव जो होगा वो समग्र के इक्वल होगा, वो विशिष्ट होगा। तो ये चीज़ जो है ये सौंदर्य शास्त्र में भी इस धारणा को आप समझ सकते हो कि ऐसा नहीं है कि खंड में कहीं वह सौंदर्य है, सौंदर्य उससे इतर है, उससे ज़्यादा व्यापक है, जो कि खंड से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ को इन्होंने बात यहाँ पर की। अब ये इस चीज़ को जो है लक्षणा को जो है सॉरी ये व्यंग को समझाने के लिए, ये प्रतीयमान अर्थ को समझाने के लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया है, और उस उदाहरण से हमें और समझ में आएगा कि कैसे काव्य में वह चारुत्व, वह व्यंजना जो है अभिहित होता है, कैसे वह हमें स्पष्ट होता है। तो एक श्लोक है कि भ्रमधार्मिक विश्रब्ध स शुनको शुनको अद्य मारितस्तेन गोदा नदी कच्छ कुंज वासिना दृप्त सिंहेन। यहाँ भी शुनक यानी कुत्ते की बात आ गई। तो ये जो है ये एक इसका जो अर्थ है, ये जो श्लोक है इसका अर्थ, सामान्य अर्थ ये है कि भ्रम धार्मिक, हे धार्मिक भ्रमण करो, ठीक है। पहले मैं इसके शब्द अर्थ को जो है सामान्य अर्थ को बता रहा हूँ कि भ्रम धार्मिक विश्रब्ध पूरे निश्चिंतता के साथ जो है भ्रमण करो, ठीक है। स सुनको, वह जो कुत्ता जो था स सुनको अद्य मारितस्तेन, तेन बताएगा कौन, उसको जो है उस कुत्ते को मार दिया। गोदा नदी कच्छ कुंज वासिन दृप्त सिंहेन, किसने मार दिया, तो दृप्त सिंहेन, उस प्रबल सिंह ने जो है उस कुत्ते को मार दिया। वह प्रबल सिंह कौन है, तो गोदावरी नदी के किनारे जो कुंज वन है, जो जंगल है, उसमें रहने वाला वह जो प्रबल सिंह है, उसने उस सिंह ने उस कुत्ते को हतः मार दिया। अब ये देखिए, ये जो है इस शब्द का जो है साधारण अर्थ है। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको संदर्भ बता रहा हूँ। संदर्भ ये है कि एक धार्मिक व्यक्ति है, वह नदी के किनारे जाकर बैठकर क्या कर रहा है, नदी के किनारे बैठ के पूजा पाठ अपना कर रहा है, ठीक है। तो वहीं पर एक स्त्री उसको जो है कह रही है कि हे धार्मिक, तुम्हें जो है, अच्छा वो जब पूजा पाठ करता था तो वो एक कुत्ता वहाँ पर जो था वो उसे परेशान करता था, ठीक है, कुत्ता जो है उसे परेशान करता था। तो अब जो है ये स्त्री जो है, ये लड़की जो है, वो उसको कह रही है कि अब तुम निश्चिंत होके अपने कार्यक्रम को जो भी है उसको, पूजा पाठ को निश्चिंत होकर करो, क्योंकि उस इसी नदी के पास जो कुंज वन है इसमें रहने वाला बलशाली सिंह जो है उस कुत्ते को उसने मार दिया,
ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और इसमें थोड़ी व्यापकता मैं ला रहा हूँ। वह लड़की जो है वह अपने प्रेमी के साथ उसी वन में जो है वहीं गोदावरी नदी के किनारे जो है अपना प्रेम प्रसंग वो लोग करते थे, कपल थे। तो कपल जो है बैठ के अपने गोदावरी नदी के किनारे अपना प्रेम प्रसंग उनका चलता था, लेकिन वहाँ पर धार्मिक अपना जो है क्या कर रहा है, वह पंडित जो है क्या कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। तो इससे उनके प्रेम प्रसंग में क्या हो रही है, बाधा हो रही है, ठीक है। तो उसने जो है उस धार्मिक को क्या कहा कि भाई तुम जो है, अच्छा वो धार्मिक जब पूजा पाठ कर रहा है तो उसको जो है वहाँ पे स्थित उस वो कुत्ता जो है उसको परेशान कर रहा है। तो उसको उसने कहा, उस धार्मिक को इस लड़की ने कहा, क्या कहा कि तुम जो है अब निश्चिंत होकर अगले दिन निश्चिंत होकर भ्रमण करो, क्योंकि उस कुत्ते को जो है सिंह ने मार दिया। अब लेकिन अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो है अभिधा अर्थ, सामान्य अर्थ आपको क्या लग रहा है? सामान्य अर्थ ये लग रहा है कि उस लड़की ने बड़े अच्छे भाव से भाई कि पंडित जी को कहा कि भाई जो है आप अपना पूजा पाठ आराम से करिए, क्योंकि वो जो कुत्ता जो आपको परेशान कर रहा था उस कुत्ते को सिंह ने मार दिया। लेकिन क्या अर्थ यही है? क्या अर्थ यही है? अर्थ ये नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वो जो है लड़की क्या है, अपने प्रेमी के साथ वो भी उसी नदी के किनारे अपना प्रेम परिणय कार्य कर रहे थे, ठीक है। अब जो है वहाँ पर जब एक धार्मिक अपना पूजा पाठ करने लगा तो उससे क्या हुआ, उनके उस प्रेम परिणय में बाधा होने लगी, ठीक है। अब जब उसने ये कहा कि जो तुम्हें कुत्ता परेशान कर रहा है उसको जो है सिंह ने मार दिया, तो वो उसे ये नहीं कह रही है कि तुम यहाँ जो है आराम से अब अपना पूजा पाठ करो, वो उसे कह रही कि तू तो डरपोक है, तू कुत्ते से डरने वाला है, ठीक है। अब जो है कुत्ता तो चला गया, लेकिन तुझे मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर सिंह रहता है, इसलिए भूल के भी अब यहाँ मत आओ, ठीक है। तो असली अर्थ क्या है? असली अर्थ जो है वो ये देना चाह रही है कि तू हे धार्मिक, तू अब यहाँ पर ये गोदावरी नदी के किनारे जो ये तट है, ये जो हमारा पार्क है, इस पार्क में जो है तू अब अपना कृत्य मत कर, तू जो है कहीं और अपना स्थान देख, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर सिंह है, ठीक है। तो ये अब आप देख रहे हो साधारण अर्थ जो था वो क्या था, साधारण अर्थ में तो वो ये कह रही थी कि भाई हे धार्मिक तुम अपना जो है काम करो, क्योंकि तुमको परेशान करने वाला जो कुत्ता था उसको सिंह ने मार दिया, साधारण अर्थ ये इसको कहते हैं शब्द का साधारण अर्थ, जिसको अभिधा अर्थ कहते हैं, टेक्निकल वर्ड है लेकिन सुन लीजिए, टेक्निकल मतलब जिसका जो है शब्द से जो अर्थ निकला, तो इसको कहते हैं अभिधा अर्थ। तो अभिधा अर्थ में तो आपको सामान्य बोध क्या हुआ कि वो कह रही है कि आप जो है यहाँ पर भ्रमण करो, लेकिन इसका जो है ध्वनि इसमें जो है क्या है, इसमें व्यंग क्या निकल रहा है, इसकी व्यंजना क्या है, व्यंजना एक्चुअली में वो ये कर रही है कि भैया तू जो है तू तो डरपोक आदमी है, तू कुत्ते से डरने वाला आदमी है, और मैं तुझे ये तो बता रही हूँ कि जो है कुत्ता मारा गया, लेकिन तुझे साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि यहाँ पर कुत्ता नहीं यहाँ सिंह रहता है, तो इसलिए अब तू इस जगह को छोड़ दे। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से आप लोग ध्वनि को समझ सकते। तो ध्वनि ऐसे व्यक्त हो रहा है, जैसे यहाँ पर साधारण मैं ये करूँगा, यहाँ पर जब हम कहते हैं कि पाँच बज गए, तो पाँच बज गए के अलग अलग अर्थ हो रहे, हमारे लिए हो सकता है कि हम पंचिंग करने के लिए, इसका अर्थ ये हो रहा है कि पंचिंग करने जाना है, किसी को कुछ और हो, कोई यदि कोई कहीं और जाना चाहता हो तो उसके लिए एक अर्थ हो, अलग अर्थ होता है, ठीक है। किसान के लिए अगर कहा जाए पाँच बज गए तो भाई उसको घर पे जाने का समय हो गया, तो साधारण अर्थ तो ये कह रहा है कि पाँच बज गया, लेकिन अर्थ ध्वनित क्या हो रहा है कि भाई पंचिंग करना है, घर जाना है, बस पकड़ना है, या किसी को जो है कहीं और कुछ काम करना है, तो वो अर्थ, तो अर्थ ध्वनित अलग हो रहा है ना। तो ये अलग अर्थ जो विशिष्ट ध्वनित हो रहा है, ये जो प्रतीयमान अर्थ है, इसी को क्या कहा गया है, ध्वनि कहा गया है, ठीक है। एक और जो है एक श्लोक इसमें देख लीजिए आप लोग, श्लोक है कि श्वश्रु अत्र निमज्जति अत्राहम दिवशक प्रलोकय मा पथिक रात्र्यंधक शय्यायाम माम निमंशशी। यहाँ पर जो है इसका साधारण अर्थ है, एक पथिक है,
किसी घर में उसने आश्रय लिया, तो उस घर की जो गृह स्वामिनी जो थी उसने जो है उस पथिक से कहा कि मेरी सास जो है यहाँ सोती है और मैं यहाँ सोती हूँ। देख ले, मैं यहाँ सोती हूँ और मेरी सास यहाँ सोती है, ठीक है। हे पथिक, मुझे पता है कि तुम्हें रतौंधी रात्रंध हो तुम। रात्रंध मतलब तुम्हें रतौंधी है, ठीक है। तुम कहीं ऐसा न हो कहीं हमारी खाट पर गिर जाओ। इसने साधारण जो है क्या कहा, ये निषेधात्मक अर्थ हुआ। उसने जो है निषेध किया कि भाई मैं जो है तुम्हें ये बता दे रही हूँ कि यहाँ पर मेरा खाट है और यहाँ पर मेरी सास की खाट है, मतलब यहाँ पर मेरी सास सोती है और यहाँ पर मैं सोती हूँ, ठीक है। लेकिन हे पथिक, तुम जो है रतौंधी के शिकार मुझे लग रहे हो, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ, कहीं गलती से तुम खाट पे गिर ना जाना। अब थोड़ा सा और इसको मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। ऐसा है कि वो जो है घर में वही एक स्त्री है और उसकी सास रह रही है, ठीक है, और उसका पति जो है कहीं बाहर गया हुआ है, कई दिनों से बाहर गया है, तो वह काम से आर्त है, मतलब उसकी काम येषणा है, ठीक है, उसकी एक इच्छा है। अब वो इच्छा है और उसने जो है वो पथिक कैसा है, रात्रंध का भी यहाँ पर जो है दो अर्थ है। रात्रंध का भी एक ध्वनित अर्थ जो हो रहा है वह ये भी है कि मदांध भी, क्योंकि जो मद में जो वो होता है वह भी अंधा ही होता है। इसका प्रमाण ये है कि इसमें कालिदास जो है अपने ग्रंथ इसमें मेघदूत में कहते हैं कि कामार्ता ही प्रकृति की पणाश चेतना चेतनेशु, अर्थात जो काम से आर्त व्यक्ति होता है, ठीक है, जो काम में आर्त होता है उसे यह ज्ञात नहीं होता कि चैतन्य क्या है अचेतन्य क्या है। इसका साधारण जो है आप लोग जो है अनुभव कहाँ कर सकते हो, जब पार्क में जो है कोई प्रेमी युगल जोड़ा बैठा होता है तो वहाँ पर उन्हें ये लगता है कि उन्हें कोई उनकी हरकतों को देख नहीं रहा है, लेकिन सब देखते हैं, लेकिन उनका अनुभव क्या है। तो इसी को कालिदास अपने ग्रंथ में कह रहे हैं कि काम से जो आर्त व्यक्ति होता है वह प्रकृति रूप से क्या होता है, कृपण होता है, वह मदांध होता है, वह चेतन और अचेतन में फर्क करने का विवेक उसके पास नहीं होता। तो ये एक स्पष्ट है। तो यहाँ पर जो है उस स्त्री की जो स्त्री के का जो पति है वह क्या है, परदेश गया हुआ है, ठीक है, और पथिक को उसने देखा, पथिक जो है उसने रात्रि के लिए श्रम मतलब ये मांगा। पहले ये अमूमन होता था कि लोग जो है पथिक जो जाते थे वो कहते थे कि रात्रि विश्राम के लिए जो है हमें शरण दीजिए, पहले जो है अमूमन प्रचलन में था। तो ये दोनों के बीच जो है ये आदान प्रदान हो गया, उसने जो है उस पथिक को पहचान लिया कि ये पथिक किस प्रकार का है, और उस जो है मदांध ने भी जो है उसको भी ये अनुभव था कि ये जो है स्त्री जो है वो किस तरह की है। तो यही यह स्त्री भी पति वियोग से ग्रसित है, ठीक है, दोनों को जो है अनुभव हो गया। अब उसके बाद जो है, अब जब स्त्री उसको जब ये कह रही है, क्या कह रही है कि भाई तू जो है रात्रंध है, तू रतौंधी के शिकार है, तो ऐसा ना हो पहले से ही दिन में तुझे मैं दिखा दे रही हूँ कि मेरा खाट जो है यहाँ पर है, तो तू गलती मत करना, ऐसा ना हो कि तू मेरे जगह मेरे सासू के खाट पर तुम न चले जाना। ये यहाँ पर अर्थ ध्वनित तो हो रहा है, ये है ध्वनि, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब देखिए साधारण अर्थ, अब समझ में आ रही है बात, कि जहाँ पर साधारण अर्थ का बाद हो रहा है और अन्य अर्थ जो है प्रतीत हो रहा है, तो ये है काव्य का सौंदर्य कि कैसे जो है साधारण अर्थ का बाद होकर प्रतीयमान जो विशिष्ट अर्थ है उसका बोध हो रहा है, और यही जो है उत्तम काव्य का। अब इन्होंने भी काव्य के तीन भेद कहे हैं, जिसमें जो है सबसे मुख्य जो है ध्वनि काव्य है, उसके बाद गुणीभूत व्यंग काव्य है, और उसके बाद जो है चित्र काव्य है, ठीक है।
अब प्रश्न ये थोड़ा सा, अब यहाँ पर ये तो बात हो गई थोड़ी आनंद की बात, लेकिन अब मुख्य मुद्दा कि ये जो ध्वनि का संप्रत्यय जो आया, इसके पीछे फिलॉसफी क्या थी? ठीक है, क्योंकि इन्होंने ध्वनि को बताते हुए एक बात और जो कही, वो कही है कि ध्वनि जो है ऐसा नहीं कि इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्योंकि इन्होंने कहा है कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही इति बुधैर्यैहि समामनात् पूर्वम्, यानी मेरे से पहले भी ध्वनि की बातें कही गई, ऐसा नहीं है कि यहाँ ध्वनि सिद्धांत जो है मैं प्रथम बार लाने वाला व्यक्ति हूँ। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये है, देखिए दो चीज़ें हैं, भारतीय परंपरा में कभी भी जो है क्रेडिट का जो है सिस्टम नहीं है, यानी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम ज्ञान यदि हम अगर स्थापित भी कर रहे हैं तो हम ये क्लेम करें कि ये ज्ञान जो है इसका ये मेरे द्वारा स्थापित है। यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर एक इसका भी कारण है कि क्यों ज्ञान को ये माना गया है कि ज्ञान पर मतलब एक तरह से जो पेटेंट करने की जो परंपरा पश्चिम में आती है कि ज्ञान को पेटेंट करना, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई ये जो ज्ञान है ये मेरा नहीं है, ये सदियों से व्याप्त है। तो एक तो कारण ये है कि एक परंपरा है, दूसरी बात ये है कि क्या ऐसा है कि ये बिल्कुल पहली बार ध्वनि सिद्धांत की बात करें, तो ऐसा नहीं है। व्याकरण में ध्वनि दर्शन को बताया गया है, व्याकरण शास्त्र में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, और इस सिद्धांत को जिस शब्द के द्वारा प्रतिपादित किया गया है उसको कहते हैं स्फोट शब्द कहते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ पर जो है स्फोट की भी कर देता हूँ कि स्फोट है क्या। ये वैयाकरणियों का जो है ये एक बहुत ही विशिष्ट मत है जो कि भारतीय इस चिंतन में जहाँ पे शब्द अर्थ का विमर्श किया जा रहा है उसमें इस सिद्धांत को बड़ी महत्ता प्रदान की गई है। तो प्रश्न ये उठता है कि जैसे कि मैं कुछ कह रहा हूँ तो ये शब्द आपको आप तक कैसे अर्थ ये कैसे आपको बोध हो रहा है, मैं कोई शब्द जब बोल रहा हूँ तो ये शब्द जो है आप तक कैसे जा रहा है। तो इसका जो मुख्य मैं सार बता दूँ जो इन्होंने भर्तृहरि ने कहा है कि शब्द के विषय में वो चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम में कहा है कि यह संयोग वियोगाभ्याम करणई ही उपजन्यते सस्फोट शब्दजह शब्दो ध्वनि इति उच्यते बुधैः। ठीक है, शब्दजह शब्दो शब्द से उत्पन्न शब्द, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही मैं यहाँ से शब्द कर रहा हूँ तो इस शब्द क्या से उत्पन्न एक शब्द, उससे उत्पन्न एक शब्द, इससे उत्पन्न एक शब्द, ऐसा करते करते जो है शब्द की संतति जो है वह आपके कर्णपुटों तक पहुँच रही है। इसको और थोड़ा सा उदाहरण में अगर देकर समझाना चाहूँ तो जैसे एक तालाब में खूब शांत जो है एक जल है, ठीक है, उस पर जो है आपने कोई पत्थर फेंका या उस पर कोई आपने एक ऐसा दबाव डाला तो उससे क्या हुआ कि एक तरंग उत्पन्न होता है, तो एक तरंग जो है दूसरे तरंग को उत्पन्न करता है, ऐसे क्रम से होते होते वो जो है तरंग अंतिम सिरे तक पहुंचता है। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि वह तरंग कहाँ था, वह तरंग उस पानी में था या फिर उस पत्थर में था जिस पत्थर को हमने फेंका। साधारण अर्थ ये है कि पत्थर न फेंक करके जो है हम कुछ और भी फेंकते तो वह तरंग उत्पन्न होता, तो इसका मतलब ये है कि वह तरंग जो है पत्थर में नहीं है, वह तरंग पानी में पहले से व्याप्त है। ठीक है, तो जैसे ये तरंग एक दूसरे को उत्पन्न करते हुए आगे बढ़ाते, यानी पहले जहाँ पर हुआ जहाँ पर पत्थर पड़ा वहाँ जो उत्पन्न तरंग हुआ उसने आगे के तरंग को उसने फिर आगे के तरंग को ऐसे ऐसे बढ़ा दिया, वैसे ही ध्वनि भी क्या होती है, जैसे ही मेरे मुख से यहाँ ध्वनि उत्पन्न हुई तो शब्दजह शब्द से उत्पन्न होकर पुनः एक शब्द होते हुए आपको उसका जो है बोध होता है। लेकिन केवल इतना अर्थ नहीं है, इसका एक व्यापक अर्थ भी है कि जिसके द्वारा अर्थ जो है
प्रस्फुटित होता है, जिसके द्वारा अर्थ का प्रस्फुटन हो, उसी को हम क्या कहते हैं, स्फोट कहते हैं। अब एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि शब्द दो प्रकार का है, एक प्रकृत शब्द है, एक विकृत शब्द है। विकृत शब्द वो है जो मेरे मुँह से अभी निकल रहा है वैखरी के रूप में, ठीक है, जो मेरे मुख से वैखरी के रूप में निकल रहा है ये विकृत शब्द है, और जो मेरे अंतः में व्याप्त है वह प्रकृत शब्द है। जो प्रकृत शब्द है वह अखंड है, उसमें खंड नहीं है। खंड नहीं है का मतलब समझ रहे हो आप? खंड नहीं है का मतलब ये है कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ तो बोलने में जो है क्या है, ब ओ ल इतने सारे वर्ण आ रहे हैं ना, तो आपके अंतः में जो शब्द है अर्थ रूप, उसको शब्द भी नहीं कह सकते हैं, अर्थ भी नहीं कह सकते हैं, वो जिस रूप में है वो क्या है, एक नित्य रूप है, जिसको हम मध्यमा एक उसमें कहा गया है, परा पश्यंती मध्यमा बैखरी, तो परा और पश्यंती तो एक बिल्कुल अलग ही स्थिति है, लेकिन मध्यमा जो है आपकी मानसिक हलन चलन की स्थिति होती है, जहाँ पर आपके मनस में पहली बार शब्द जो है अर्थ रूप में आकार लेता है, यानी वहाँ पर क्या है, शब्द जो है एक आप इस तरह से समझ सकते हो कि वहाँ पर अखंड सत्ता के रूप में है। जैसे पानी जो है अखंड है, उसमें जैसे ही किसी प्रकार का जो है हम कंपन अपने वोकल के माध्यम से जो है जब हम एक कंपन करते हैं, तो जो अखंड है उसमें से जिस तरह का हम उस पर एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जिस प्रकार का उस पर आप प्रभाव डालते हो, उसी तरह का कंपन उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण भी ये है कि जैसे पानी में जैसे अगर पत्थर फेंको तो गोलाकार जो है वो निकलेगा तरंग, अगर कोई लंबा कोई अगर अगर कोई डंडा फेंकोगे तो उसका जो है कंपन जो है उसी तरीके का निकलेगा। तो जिस तरीके का हम जो है कंपन देते हैं, उसी तरीके का अर्थ स्फुट होता है। तो वो जो प्रथम स्फुट है, जो नित्य है, जो खंड में नहीं है, वही तत्व क्या है, स्फोट है, और वहीं पर अर्थ विद्यमान है। तो ये इसका दार्शनिक जो है ध्वनि सिद्धांत का जो है दार्शनिक पहलू है कि कैसे यह अखंड सत्ता जो है हमारे अंदर विद्यमान है, और यही अखंड सत्ता जो है हमें बोध कराता है, हमें जो है आनंद की प्रतीति। तो काव्य में यही जो ध्वनि तत्व है, जो खंड तत्व है वो नहीं। देखा आपने कि जैसे शब्द और शब्द का जो अर्थ है ये क्या है, खंड सत्ता है, लेकिन इस खंड सत्ता के बियॉन्ड जो अखंड सत्ता है, उस अखंड सत्ता का हमें बोध होता है, और वही अखंड सत्ता क्या है, ध्वनि तत्व है, जिसको व्याकरण शास्त्रियों ने स्फोट का नाम दिया। अब ये जो है व्यापार और अपने कार्य के आधार पर इसके भी 5 भेद किए गए हैं, और वो 5 भेद जो हैं वो कौन कौन से हैं उसको जो है मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। एक चीज़ और भी इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि इस ध्वन्यालोक पर जो सबसे प्रसिद्ध टीका है, जो 10वीं शताब्दी में लिखी गई थी, वो अभिनव गुप्त की थी, जिसको हम लोचन टीका के नाम से जानते हैं। तो ध्वनि सिद्धांतों को जो है अभिनव गुप्त ने अपने लोचन टीका के माध्यम से जो है और ज़्यादा व्यक्त किया है, और फिर उसके बाद जो है मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में, उसके बाद जो है विश्वनाथ कविराज ने, और ये तमाम जो है ये लोग जो हैं ये ध्वनि के आचार्य, प्रतिष्ठापक आचार्य, इन्होंने ध्वनि सिद्धांत को पूरी तरह से भारतीय काव्य परंपरा में इतना ज़्यादा प्रमाणित रूप से और इतना ज़्यादा परिपुष्ट कर दिया कि आज के समय में काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। जैसे कि भारतीय दर्शन शास्त्र में जिस तरह शंकराचार्य का जो महत्व है, वैसे ही काव्य परंपरा में, काव्य शास्त्र में वैसे ही आनंद वर्धन का महत्व है। इन्होंने भी अपने ध्वनि सिद्धांत को काव्य शास्त्र में इतना ज़्यादा प्रतिष्ठित कर दिया कि अब उस सिद्धांत के बियॉन्ड अभी पश्चिम के भी जो क्रिटिक्स हैं वो भी अब ध्वनि तत्व को जो है अब ये भी मानने लगे हैं, इस पर वो भी काम करने लगे हैं। लेकिन भारत की मनीषा ने जो है इसको बहुत पहले इस चीज़ को खोजा कि हम जो है आखिर आनंद आ कैसे रहा है।
रस का आनंद हो कैसे रहा है, तो रस के आनंद का जो तत्व है वह तत्व क्या है, ध्वनि है। अब इस ध्वनि को इन्होंने अभिनव गुप्त ने जो है उसके जो है शब्द अर्थ और शब्द अर्थ के व्यापार के आधार पर पांच प्रकार से ध्वनि की जो है व्युत्पत्ति मूलक अर्थ इन्होंने बताया। एक तो उन्होंने पहला उन्होंने कहा कि ध्वनति यह सह व्यंजक शब्द ध्वनि, यानी जो ध्वनित करे या कराए वह व्यंजक शब्द क्या है, ध्वनि है। ठीक है, व्यंजक शब्द क्या हुआ, व्यंजक शब्द जैसे मैंने कहा कि भाई जैसे कि खाना है, खाना मैंने पूछा, तो अब ये जो है इसका जो है खाने यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ कि खाना रूपी प्रश्न को जो है व्यंजित करने वाला शब्द क्या है, खाना है। अब ये प्रश्नवाचक हो गया कि खाना है, तो आपने समझा कि जो है कि मैं जो है खाने का को इच्छुक हूँ, ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पास खाना उपलब्ध है, तो खाना अर्थ को व्यंजित करने वाला कौन शब्द है, खाना शब्द। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ध्वनति यह सह व्यंजक शब्द ध्वनि, जो ध्वनित करे या कराए वह व्यंजक शब्द जो है वह क्या है, ध्वनि। तो पहली बात कि शब्द जो व्यंजित करने वाला जो शब्द है वह ध्वनि है। दूसरा इन्होंने कहा कि ध्वनति ध्वनयति या यह सह व्यंजकोयम व्यंजकोयः ध्वनि, जो ध्वनित करे या कराए, जो ध्वनित कराए, यानी यहाँ पर अब अर्थ की बात, पहले शब्द की बात हुई, तो ध्वनित क्या कराता है, अर्थ कराता है। ठीक है, शाम हो गई, शाम शब्द जो है क्या है, शब्द है, ये जो है ध्वनित है। ठीक है, और ध्वनित क्या करा रहा है कि भाई अब घर जाने का समय हो गया, तो अर्थ तो कुछ और हो रहा है, मैंने शब्द क्या कहा कि भाई शाम हो गई, अर्थ क्या निकला कि घर जाने का समय हो गया, पंच लगाने का टाइम हो गया, बस छूटने का टाइम हो गया, तो ये अर्थ करा रहा है। तो इन्होंने कहा कि पहला अर्थ वह शब्द जो ध्वनित हो रहा है, दूसरा वह अर्थ जो ध्वनित उस शब्द के द्वारा जो अर्थ ग्रहण हो रहा है, ध्वन्यते इति ध्वनि, जो ध्वनित किया जाए वह ध्वनि है। अच्छा, यहाँ पर शब्द का तो अर्थ जो है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं और क्लियर ये कर दूँ कि शब्द का तो अर्थ पाँच बजने का कि समय का जो है अर्थ जो है पाँच, जब हम शाम हो गई मतलब सूर्यास्त हो गया, साधारण अर्थ जो है समयवाचक अर्थ होगा। ठीक है, शाम का मतलब जो है क्या है कि सूर्य अस्त हो गया, लेकिन यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या अर्थ है कि भैया घर जाने का समय हो गया या पाँच बज गया। तो पाँच बज गया का जो है साधारण शब्द का अर्थ क्या होगा कि पाँच घड़ी में जो है आप जो छोटी सुई है वो पाँच बजे और बड़ी सुई 12 पर, ये एक अर्थ हुआ, ये शब्द का अर्थ हुआ। तो पहले तो उन्होंने पाँच बजा ये शब्द एक अपने आप में ध्वनि है, ये अर्थ की पाँच बजने का मतलब जो साधारण मतलब है वो ये कि भाई छोटी सुई जो है वह पाँच पर और बड़ी सुई 12 पर, ये उसका जो है शब्द का वर्ड का मीनिंग है। लेकिन जो तीसरा मीनिंग शब्द के अर्थ से परे, ध्वन्यते जो ध्वनित हो रहा है, जो ध्वनित किया जाए वह ध्वनि है, तो इसमें जो है वो सारे रस अलंकार सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ध्वनित क्या हो रहा है कि भैया अब जो है जाने का समय हो गया है। ठीक है, चौथा इन्होंने कहा कि चौथा अर्थ क्या ध्वनि का होता है, तो इन्होंने कहा कि ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि, जिसके द्वारा ध्वनित किया जाए वह ध्वनि। इसमें जो है शब्द अर्थ के बीच जो प्रोसेस है, व्यापार, इसको जो है संस्कृत में कहते हैं व्यापार, तो इस शब्द और अर्थ के बीच जो व्यापार चल रहा है जिसके आधार पर आपको वो ध्वनित हो रहा है वह व्यापार क्या है, ध्वनि है। और पांचवा कह रहे हैं कि इन सब का जो टोटल कलेक्टिव समूह है वह भी ध्वनि है, यानी खंड में भी ध्वनि है और अखंड में भी ध्वनि है, छोटे स्तर पे भी ध्वनि है और बड़े स्तर, यानी इन सब का जो समूह जो काव्य रूप है वह भी क्या है, ध्वनि है। तो ध्वनि जो है शब्द रूप ध्वनि, अर्थ रूप ध्वनि, प्रतीयमान अर्थ रूप ध्वनि, व्यापार प्रोसेस रूप ध्वनि, और इन सब का समूह जो काव्य है वह भी ध्वनि। तो ये जो है क्या पांच चीज़ें, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो ये पांच ही चीज़ें होती हैं, एक तो जो मैं बोल रहा हूँ वो शब्द, एक जो आपको साधारण अर्थ हो रहा है वह अर्थ, एक जो उस पे
व्यंग्यर्थ है जो ध्वनि जिसको हमने संज्ञा दी, एक वो अर्थ, एक जो ये प्रोसेस चला कि कैसे वक्ता के मुंह से निकला आपके मुंह, तो ये पूरा एक प्रोसेस हुआ ना, तो इस प्रोसेस को भी इन्होंने ध्वनि कहा। और एक शब्द अर्थ व्यापार और वह व्यंग्यर्थ सबका जो है कलेक्टिव जो है वह भी ध्वनि है। तो इस तरह जो है इसी चीज को जो है एक सार संक्षेप में इन्होंने कहा है कि ये मम्मटकार ने ही कहा है इसको कि वाच्य से अधिक रमणीय व्यंग को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो अब लेकिन अब साधारण चीज़ ये भी ये हमेशा ये इस पे कंडीशन है कि जो वाच्य जो मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा रमणीय जो है या उससे ज़्यादा आनंदित करने वाला वह व्यंग्यार्थ होना चाहिए तभी ध्वनि, यानी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई है। यदि आप जो है जो वाच्य है और जो यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ और साधारण जो अर्थ आप तक जा रहा है, यदि केवल और केवल यही व्यापार चल रहा है तो उसको आप ध्वनि नहीं कहोगे। ध्वनि उससे आगे की चीज़ है कि शब्द अर्थ व्यापार से इतर जो है व्यापार, जो रमणीय अर्थ आपके अंदर स्फुटित हो रहा है वह अर्थ जो है आपके लिए क्या है, उसी को जो है रमणीय अर्थ को प्रतिपादक जो साउंड है उसी तत्व को उन्होंने क्या कहा, ध्वनि कहा। क्लियर, तो इस तरह इन्होंने जो है पांच प्रकार से जो है इसका भेद किया। साधारण जो है ध्वनि को जो ग्रंथकार हैं इन्होंने दो भेद किया है, एक लक्षणामूलक ध्वनि और एक अविधामूलक ध्वनि। देखिए शब्द की जो है शक्ति को जब आप लोगों ने पढ़ा होगा या जाना होगा, शब्द की तीन प्रकार के शक्तियाँ होती हैं, एक अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इससे भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, अभिधा जैसे मैंने कहा राम कहा और आपने जो है राम का अर्थ राम ले लिया, ठीक है, तो ये हुआ अभिधा अर्थ। लक्षणा ये हुआ कि मैंने राम कहा तो आपने राम से संबंधित अर्थ को लिया, राम से संबंधित अर्थ को लिया तो लक्षणा कहा जाएगा। ठीक है, इसका जो है संस्कृत काव्य में एक जो है ये एक पद्य दिया जाता है कि गंगायाम घोषः, इसका अर्थ होता है कि गंगा में आप मकान, या घोष का अर्थ जो है वहाँ पर अर्थ ये है झोपड़ी को कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया गंगा में झोपड़ी कैसे लग सकती है, साधारण अर्थ तो नहीं हो सकता है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि गंगायाम घोष तो लक्षणा अर्थ क्या होगा, तो लक्षण ये अर्थ हो कि गंगा की जो गंगा के लगभग समीप, गंगा में घर यदि मैं कह रहा हूँ तो यानी कि गंगा में गंगा के समीप, ठीक है। लेकिन व्यंजना जब इसकी बात होती है तो व्यंजना में अर्थ में होता है कि गंगा में जो सैतत्य पावनत्व है वह आपके घर में विद्यमान है तो हम उसको गंगायाम घोषः कहते हैं। साधारण अर्थ भी जो है लोक में प्रचलित है, ये संस्कृत में मैंने कहा तो उस समय में प्रचलित था। अभी हम कहते हैं कि अरे इसका घर तो मंदिर जैसा है, कहते हैं ना, तो मंदिर जैसा है तो वो मंदिर नहीं है, जैसा भी ना करे तुम्हारे घर में तो लक्ष्मी वास करती है। तो ये जब हम ये सारे शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका एक मतलब है, और वो मतलब जो है साधारण अर्थ इसमें नहीं है, इसके पीछे एक अतिरिक्त अर्थ है, यानी कि आपके अंदर वो श्री समृद्धि, आपके घर में संतुष्टि है, आपके घर में ऐश्वर्य है, वो सारे लक्ष्मी से संबंधित सारे तत्वों का आपके घर में वास है। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी का जो साधारण हम चित्रों में देखा है कि कमल दल वासिनी जो है हाथ में गगरा लिए हुए जो बैठे हुए हैं वो लक्ष्मी नहीं है। साधारण अर्थ क्या होगा कि अगर हम कहें कि अरे आपके घर में तो लक्ष्मी का वास है, तो लक्ष्मी का जो है एक साधारण जो प्रतिमा जो है, ये मतलब ये नहीं है कि आपके घर में साधारण लक्ष्मी की प्रतिमा है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके घर में लक्ष्मी से संबंधित वह ऐश्वर्य, वह सारे जो है सौंदर्य, आपके घर में संतुष्टि तुष्टि, वो सारे तत्व आपके घर में विद्यमान है। तो ये जो अर्थ हो रहा है ये साधारण अर्थ में नहीं द्योतित हो रहा है, यह विशेष अर्थ को द्योतित कर रहा है। तो यहाँ पर और क्लियर हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने कहा, तो इन्होंने दो चीज़ें कही, एक तो जो है लक्षणामूलक ध्वनि कहा और एक अविधामूलक ध्वनि कहा। तो अविधामूलक ध्वनि में क्या होगा कि जो शब्द का अर्थ है शब्द का अपना अर्थ और शब्द का जो अपना अर्थ है वह भी ध्वनित, शब्द भी ध्वनित हो रहा है और अर्थ भी
ध्वनित हो रहा है, तो उसको उसको क्या कहेंगे, अभिधा मूलक ध्वनि, ध्वनि के जो दो भेद हैं। और दूसरा जो लक्षणामूल ध्वनि है उसमें क्या हो रहा है, लक्षणा का मैंने मतलब बताया कि लक्षणा क्या है, कि उससे संबंधित, तो उससे संबंधित अर्थ भी ध्वनित हो रहा है लेकिन वो ज़्यादा ध्वनित हो रहा है। ठीक है, शब्द का जो शब्द जो अपना ध्वनित कर रहा है उससे ज़्यादा उसके जो लक्षणामूलक अर्थ जो है वह ज़्यादा ध्वनित हो रहा है। तो ये जो है ध्वनि के दो भेद हैं। अच्छा, इसमें जो इसका एक जो और एक मुख्य विषय है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर और ये कर दूँ, स्पष्ट कर दूँ कि इन्होंने एक और जो इनकी परिकल्पना है आनंदवर्धन की, वो बहुत हमारे साहित्य के कला शास्त्र का बहुत ही एक अभूतपूर्व देन है, और वो देन है सहृदय की कल्पना, कि आखिर रस निष्पत्ति होगी किसको। ठीक है, मैं कला पर भी, चूंकि दोनों विषय जुड़ा हुआ है ध्वनि सिद्धांत और कला पे, तो अब मैं उन चीज़ों को भी, अब कला को भी अब जोड़ने का प्रयास, क्योंकि ध्वनि का ध्वनि को मैंने स्पष्ट कर दिया है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अब मैं इसको जो है कला की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इनकी एक जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने जो एक बात कही वह कही सहृदय की बात। तो सहृदय कौन है, क्या आप एक कलाकृति बनाओगे क्या वह कला सबको आनंदित कर देगा, क्या क्या मैं यहाँ पर कोई काव्य सुनाऊं क्या वो सबको आनंदित कर देगा, क्या प्रश्न ये उठता है कि कला सबको आनंदित नहीं कर सकता। किसको आनंदित करेगा, सहृदय को आनंदित करेगा, क्योंकि कलाकार जब अपनी कलाओं को, चाहे वह चित्रकार हो अपने फलक पे अपने रंग के माध्यम से, अपने ब्रश के माध्यम से, जब उन रेखाओं के माध्यम से जब उकेरता है, तो वो क्या कर रहा है, वह अपने अस्तित्व के अनुभवों को अभिव्यक्त कर रहा है। तो वो जो उसके अस्तित्व की अनुभूति है, क्या वह जो देखने वाला जो दर्शक है क्या उस तक पहुँच रहा है, अगर नहीं पहुंच रहा है तो क्यों नहीं पहुंच रहा है। तो ये जो इन्होंने जो एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी दी वह सहृदय का कॉन्सेप्ट, कि जो है सिंपैथी नहीं चाहिए, इम्पैथी चाहिए, समान अनुभूति जब तक से न हो तब तक से कला का आनंद नहीं आ सकता। ठीक है, तो कला के आनंद के लिए सह अनुभूति नहीं, सिंपैथी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, समानुभूति, समान अनुभूति चाहिए। तो ये समानुभूति क्या है, इसी को इन्होंने कहा कि सहृदय के हृदय में ही वह कला का जो बोध है, वह कला का जो रस है, वह जो कला का आनंद है, वह उद्भूत होता है। कलाकार के तो अंतः में जो उसका अस्तित्व है वह तो प्रकट हो ही रहा है कला के माध्यम से, लेकिन जो दर्शक है, क्या सभी दर्शक को वह आनंद आ सकता है, तो कह रहे हैं कि नहीं, सबको आनंद नहीं आएगा, जो सहृदय है उसी को वह यह आनंद आ सकता है। तो ये जो इनका कॉन्सेप्ट है, सहृदय का कॉन्सेप्ट है, ये आनंदवर्धन का अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस भारतीय चिंतन वांग्मय की एक बहुत बड़ी देन है कि रसास्वादन कौन कर सकता है, रस कौन ले सकता है, क्या सब लोग जो है कला का आनंद ले सकते हैं क्या। अब ये अलग चीज़ है कि पश्चिम में फिर जो है मार्क्स ने अपने सिद्धांतों में तो यहाँ तक कह दिया कि जो कला है ये पूंजीपतियों के खिलाफ, उसको उन्होंने कहा कि एक हथियार है। तो यहां पर जो पश्चिम में जो कला का डेवलपमेंट है वो एक अलग है, लेकिन हमारे यहां कला का ऐसा नहीं, हमारे यहां तो धर्म के साथ साथ जो है, यानी पुरुषार्थ चतुष्टय को स्थापित करने वाले तत्व के रूप में कला है, यानी यहाँ पर जो है, इसीलिए तो हमारी जो एक लोक में, लोक की जो भावना है या लोक में जो प्रचलित कला जो है, यहाँ पर लोक से अलग नहीं है, आप कला को लोक से अलग नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से संतुष्ट। पश्चिम ने क्या कहा कि भैया हम एक लेवल पर या तो संतुष्ट हैं या एक लेवल पर पूरी तरह से असंतुष्ट हैं, या तो कोई असंतुष्ट कलाकार हो सकता है या तो पूरी तरह से संतुष्ट कलाकार हो सकता है, हमने जो है ऐसा नहीं कहा। हमने कहा कि जीवन आप जीते रहो कला के साथ साथ, आपके हर तीज में, हर त्यौहार में, हर उस साधारण कृत्य में जो है कला व्याप्त है। तो ये हमारे यहाँ कला की जो है अवधारणा रही है।
तो सहृदय की बात करके जो है मैं थोड़ा सा कला पे जो है अपनी बात को करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो ध्वनि सिद्धांत, चूँकि यहाँ का विषय जो मूल विषय था ध्वनि सिद्धांत और कला, तो इस ध्वनि सिद्धांत, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैंने बात किया ये काव्य कला के लिए तो ठीक है, आप चित्रकला वालों के लिए इसकी क्या उपयोगिता, क्योंकि आपके लिए भी इसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि काव्य कला जो है कवियों के लिए तो ये सारी बातें तो बहुत अच्छी है, क्योंकि काव्य के माध्यम से वह क्या कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, तो कवियों के लिए तो ये सारी बातें ठीक है, लेकिन आप चित्रकारों के लिए ये कौन सी बात इसमें जो है महत्व है, तो चित्रकार के लिए भी जो है यहाँ पर बात यही आती है कि भाई अगर हम ये कहें कि चित्र है क्या, पहले हम ये कला जो है कला को थोड़ा सा ये समझ लें कि कला जो है वो कल धातु से निष्पन्न होती है जिसका अर्थ होता है आनंद, सहज आनंद, तो ये कलाकार करता क्या है, तो कला वह साधन है जिसके द्वारा कलाकार अपनी कलात्मक अनुभूति को सहृदय के प्रति संवेद्य बनाता है, ठीक है, कला वह क्या है, साधन है जिसके द्वारा कलाकार क्या करता है, अपनी कलात्मक अनुभूति, ये भी उसका एक अनुभूति है, मैं जब इस विषय पे मैडम ने जब इस विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा तो मैं जब इस पे चिंतन कर रहा तो मुझे जो कला का जो अर्थ समझ में आया, मैंने इस चीज़ को ये अनुभूत किया कि कला जो है आपके एक चेतना की परिवर्तित अवस्था है, चेतना की एक परिवर्तित अवस्था है जिसको हम कहते हैं कि अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड शब्द का भी प्रयोग होता है कि अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, कि ये हमारी जो है चेतना की परिवर्तित अवस्था है जिसको हम अनुभूति जागृत अनुभव के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जब एक कलाकार अपनी कला को अनुभूत कर रहा होता है वह विशुद्ध ट्रांस की स्थिति में होता है, वह विशुद्ध अपने ध्यान की स्थिति में होता है, वह एक साधना की पूरी प्रक्रिया में लीन होता है, और फिर उसके बाद वह उस अनुभव को क्या करता है, फलक पे अपने चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता है। मैडम समय का बोध करा दीजिएगा, ठीक है, तो ये बात आई कि कला जो है क्या कर रहा है कि सहृदय के प्रति जो है संवेद, उसके जो है हृदय में भी उसी तरह की संवेदना को उत्पन्न कर रहा है। यदि किसी जो है तकलीफ को कलाकार यदि अपने चित्रों के माध्यम से उभार रहा है तो वह तकलीफ जो है सामने वाले के मन में भी उभरना चाहिए। अब क्यों नहीं उभरना चाहिए, क्यों नहीं उभरता है, तो इसके पीछे भी कारण ये है। देखिए एक चीज़ जो हमारे यहाँ सहृदय की कल्पना से ही जो है कला के विषय में मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि सहृदय क्या है। सहृदय वह व्यक्ति होता है जिसके सतोगुणों का विकास होता है। जब तक आपके अंदर सतोगुण का विकास नहीं होगा तब तक आप समानुभूति को अनुभव नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, मैं एक बात जो मुझे समझ में आई, चूँकि भारतीय चिंतन में जो कुछ भी मटेरियल जगत है वह तीन गुणों का ही जो है क्या है, घालमेल है, जिसे हम सतरज और तम कहते हैं, तो ये कला भी इससे इतर नहीं है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और व्यक्त करना चाहूँगा कि मूल में जो है ध्वनि जो है यहाँ पर भी विद्यमान है, वो ध्वनि को मैं आगे बताऊँगा कि कैसे इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो ये सतरज तम की जो परिकल्पना है ये कैसे हमारे आर्ट में, चाहे वह कलाकार हो चाहे वो कला हो, कैसे वेदित होता है। तो जो पंच ललित कलाएं हैं वह पंच ललित कलाएं जो है पांच तत्वों को व्यक्त करती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है, मुझे कुछ जगहों पर चित्रकला जो है वह अग्नि तत्व को जो है रिप्रेजेंट करते हुए मिला, लेकिन मेरा खुद का जो अनुभव इसमें है वह मुझे ये लगा कि चित्र जो है वह जल तत्व को रिप्रेजेंट ज़्यादा कर रहा है। लेकिन अगर इस चित्रकला को यदि हम पंच तत्वों में, पंच ललित कलाओं को व्यक्त करें तो जो संगीत है वह आकाश तत्व है, नृत्य वायु तत्व है, मूर्ति अग्नि तत्व है, चित्र जल तत्व है, स्थापत्य जो है वह पृथ्वी तत्व है। अब कैसे इन तत्वों के माध्यम से कैसे हम उन गुणों का विकास करें, एक कलाकार अपने कला का विकास करें, तो इस पे जो है पूरी एक
एक पूरा एक मैकेनिज्म है जिसको यदि आप समझ लो, पंच तत्वों के कॉन्सेप्ट को समझ लो, तो आप अपनी कला को और निखार सकते हो। लेकिन जो मेरा अनुभव ये है कि जैसे जैसे कलाकार जो है नीचे की तरफ तमस की तरफ बढ़ेगा तो उसकी कला में क्या आएगा, मूर्तता आएगा। अब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त और अब्स्ट्रैक्ट का अपोजिट, तो उसकी जो है कला में क्या है, अमूर्तता। तो इसको जो है मैं ये मानता हूँ और आप लोग भी कहोगे कि ये सबसे अधम कला होगा। जैसे जैसे मूर्तता है आपकी कला में वो क्या होगा, अधम। लेकिन सतोगुण क्या है, सतोगुण जो है वह अब्स्ट्रैक्ट है, तम क्या है, मूर्तता है। किसी भी चीज में जब मूर्ति आने लगती है, मतलब वह जब वो क्या होता है, ये आपस में संगठित होने लगता है, वह एक रूप लेने लगता है, तो उसमें यानी कि तम की मात्रा बढ़ रही है। और यदि कोई चीज़ जो है अव्यक्त है वह क्या है, सतोगुण है। तो जैसे जैसे आप अपने उस कला साधना में सतोगुण को बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपकी कला साधना कैसी होती जाएगी, अव्यक्त की तरफ होती जाएगी। और वही स्थिति होगी, वो जैसे जैसे बढ़ेगी, आप उस अव्यक्त से, जिसमें अखंड ध्वनि सत्ता की बात कर रहा हूँ, आप अपने उस कला में भी उस अखंड ध्वनि तत्व को, ध्वनि कहने से मतलब केवल साउंड नहीं है, ये चीज़ भी आप लोग समझ लो, क्योंकि जब हम ध्वनि कहते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली में ये जो ध्वनि, जो अखंड तत्व है, वह हमारे अंदर वो अनुभूति है जो कि चित्र के माध्यम से भी प्रकट होता है, संगीत के माध्यम से भी प्रकट होता है, हमारे जो है वाद्य के माध्यम से, मतलब वो सब में व्यक्त होता है, उसका मैनिफेस्टेशन जो है अलग अलग चीज़ों में अलग अलग। यानी मूल तत्व वही है जिसको आप ध्वनि कहो, स्फोट कहो, और उससे फिर ये अलग अलग रूप में व्यक्त होता है। तो जैसे जैसे एक चित्रकार अपने उस सहज अनुभूति के, उस सरल अनुभूति के, उस अखंड अनुभूति के पास जाएगा, उसके कला में वह अव्यक्तता आने लगेगी और वह कला के उच्च से उच्चतम सीमा को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।